नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, नवरात्रि स्पेशल में आज हम बनाएंगे कुट्टू के आटे से आलू के पकोड़े। तो चलिए हम देख लेते हैं कुट्टू के पकोड़े बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। कुट्टू के आटा ले लिया है हमने, 1 कप आटा लिया है, ये करीब हमारा 100 ग्राम है। 3 हरी मिर्च को हमने चॉप कर लिया है। आधा चम्मच हमने साबुत जीरा ले लिया है। स्वाद अनुसार सेंधा नमक है। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और 2 आलू लिए लिया है हमने। आलू को हमने एक आलू को तो हमने चिप्स कटर से काट लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा मोटा है ये, और एक मैं चाकू से आपको काट के दिखाती हूँ। थोड़ा हमें मोटा इसे काटना है। देखिए बिल्कुल स्लाइस ऐसे होगा हमारा, तो ये चाकू से भी बहुत ही आराम से कट जाते हैं। देखिए, और इसी तरीके से हम ये आलू काट के तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आज हम एक धनिया के चटनी तीखे वाले आप लोगों से शेयर करेंगे, जो ये नवरात्रि के टाइम में आप किसी के साथ भी खा सकते हो, जैसे ये पकोड़े या आलू आलू की सब्जी, तो वो भी आज हम आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी में डाल देते हैं। और धनिया की चटनी के लिए हमने यहाँ पे एक टमाटर लिया है। टमाटर को हमने 4 टुकड़ों में काट लिया है, और साथ हमने हरी मिर्च लिया है। थोड़ा ये तीखा बन के तैयार होता है, और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप हरी मिर्च कम भी कर सकते हैं। और हमने थोड़ा सा धनिया पत्ते साफ कर लिया है और अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की रेसिपी है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और नवरात्रि के टाइम में मैं ज़रूर बनाती हूँ। ये उन्हीं की रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। इसे हम साइड में रख देंगे, और ये कुट्टू के आटे में हम सभी चीजें मिला लेंगे। धनिया पत्ते, हरी मिर्च, अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप हरी मिर्च यहाँ पे थोड़ा कम कर सकते हैं। साबुत जीरा और ये सेंधा नमक, पानी ले लेंगे हम, मिक्स कर लेते हैं पहले। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, और इसे हमें थोड़ा गाढ़ा घोल बना के तैयार करना है। जैसे हम नॉर्मली बेसन के घोल बनाते हैं, बैटर बनाते हैं, उतना पतला नहीं करना है। इसे हम थोड़ा मोटा रखेंगे, तो थोड़ा हम पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे पहले। आप सभी को नवरात्रि के ढेर सारे शुभकामनाएं। थोड़ा और पानी ऐड करेंगे, और ये कुट्टू के आटा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको पकोड़े बनाना है तो उतना आप बना सकते हैं, उतना ऐड कीजिएगा। अगर 1 कप हम आपके लिए ज्यादा है तो इसमें थोड़ा कम कर सकते हैं आप। 1 ग्लास पानी लिया था हमने, पूरा पानी हमारा यूज हो गया। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो धनिया के हम चटनी बनाएंगे वो बिल्कुल हमें महीन नहीं पीसना है, उसे बिल्कुल थोड़ा हमें दरदरा रखना है। बिल्कुल मुंह में आपके टमाटर के पीसेस, हरी मिर्च के पीसेस आनी चाहिए, उतना ही हम उसे पीस के तैयार करेंगे। देखिए हमारा बैटर ऐसे बन के तैयार होगा, थोड़ा गाढ़ा, कि हम आलू को डिप करें तो उसमें अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो इसे हम 2-3 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं।
धनिया को हम दो टुकड़ा करके डाल देते हैं। और टमाटर, हरी मिर्च भी, और इसे हमें दरदरा पीसना है, बिल्कुल हमें इसे महीन नहीं करना है। बंद कर देंगे हम। चेक कर लेते हैं। इसमें हम सेंधा नमक मिलाएंगे, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा। देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही होगा हमारा दरदरा, और बहुत ही तीखा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये फास्ट वाले दिनों में। आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं किसी भी पकोड़े के साथ। अब हम इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर लेंगे। चलिए हमारे धनिया की चटनी तो रेडी हो गया। अब हम पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। आलू को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और आलू को जैसे हम नॉर्मली पकौड़ा तल के तैयार करते हैं, उसी तरीके से हम इसमें डीप करेंगे। ठीक है, और ऐसे हम बिल्कुल कढ़ाई में तेल में डालेंगे, तो इसी तरीके से हमें आलू को डीप करना है। थोड़ा ये आटे का कोटिंग ऊपर लगाना है, और इसी तरीके से हम आलू के पकोड़े को फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम गैस के फ्लेम को लो करेंगे, और हम आटे में आलू को डीप करेंगे, और एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे। एक बारी में जितना आएगा उतना हम पकोड़े एक साथ फ्राई कर लेंगे। दो मिनट बाद सभी पकोड़े को हम पलट देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम है हमारा। कुट्टू के पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। और साथ में ये तीखी वाली धनिया की चटनी। और दूसरी तरफ भी हम अच्छे से फ्राई होने तक, थोड़ा हल्का कलर चेंज हो जाने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए पकोड़े हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, दोनों तरफ अच्छे से कलर भी आ गया है, और पूरे एक टाइम के हमारे पकोड़े फ्राई करने में 6-7 मिनट का टाइम लगे। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम बाकी पकोड़े भी तल के तैयार कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे कुट्टू के आलू के पकोड़े बनके तैयार है, साथ में तीखी वाली धनिया की चटनी। आशा करती हूँ आज का रेसिपी आप सभी को पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिलीज के साथ मेरे रेसिपीज को शेयर कीजिएगा, और रेसिपीज के नीचे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे नीचे दिए गए मेरे चैनल के लोगो में आप क्लिक कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरे चैनल के दूसरा वीडियो देखने के लिए आप अपने राइट में क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।